हेलो फ्रेंड्स, पिंकिंग क्रंची में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेखा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ कांदे की भजिए। बारिश का मौसम हो और कांदे की भजिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चार प्याज को अच्छे से धोकर कट कर लिया है स्लाइसेस में और इसको हमने खोल लिया है। और इसमें अब हम मिलाएंगे एक कप बेसन, दो बड़े चम्मच अरारोट और भजिया को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच चावल का आटा, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, चार से पांच हरी मिर्च बारीक कटी हुई। प्याज में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, पानी एक साथ ना डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हमें बहुत ज्यादा गीला नहीं रखना है। थोड़ा पानी और डालते हैं। प्याज को हमने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है और इसे हमने बहुत ज्यादा गीला नहीं रखा है। और अब हम तेल गरम करते हैं। हमने पैन ले लिया है और इसमें अब कुकिंग ऑयल डालेंगे भजिया तलने के लिए। और अब हम जब तक तेल गरम हो रहा है भजिया की छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। जब हम इसे तलेंगे तो इसे तलने में, तेल में डालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तेल गरम हो चुका है, तेल को हमने मीडियम गरम रखा है और अब इसमें हम कांदे डालेंगे भजिया तलने के लिए। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, इससे क्या होगा भजिया अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। भजिये को पलट देते हैं। भजिए हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से ये सिक चुके हैं और अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। इसी प्रकार हम सारे भजिए को तलकर तैयार कर लेते हैं। कांदे की भजिया बनकर एकदम तैयार है। इसे आप चटनी के साथ या चाय के साथ खा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।